हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू क्लास? कैसे हैं आप सब लोग? आई नो वेरी वेल, यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड यू हैव ए लॉट्स ऑफ एंजॉय विद योर पेरेंट्स। यस और नो? यस। सो वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास, वीडियो क्लास एट लिटिल एंजल स्कूल एट होम। एंड दिस इज पूनम भाटी फ्रॉम लिटिल एंजल स्कूल। एंड एज यू नो डैट आई एम योर कंप्यूटर टीचर, राइट? सो स्टूडेंट्स, एवरी डे यू वुड बी अटेंडेड द वीडियो क्लासेज and learn about that topic which I discuss in this video class, right? So make sure that you have your computer textbook with you with all the time while attended the video class. So students, please take next 5 seconds to keep your book ready. 5, 4, 3, 2, and 1. I hope you all are ready. Yes. So let's get start. Today we are going to cover the one for the exercise of chapter number 4. आज हम chapter 9 number 4 की exercise का day 1 cover करेंगे, right? So let's get start with the exercise of chapter number 4. Students, this is your exercise. This is your first exercise, right? शो हो रही है आपको ये फर्स्ट एक्सरसाइज। इन दिस एक्सरसाइज थिंक एंड आंसर आज गिवन टू यू। ओके, विच एक्सरसाइज आर गिवन टू यू? थिंक एंड आंसर। इन दिस एक्सरसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इंक्रीज द साइज ऑफ ए स्प्राइट्स। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, पहले सोचिए फिर उसके बाद आंसर दे दीजिए। तो मैंने आपको वीडियो क्लासेस में ऑलरेडी बताया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इंक्रीज द साइज ऑफ ए स्प्राइट। यस, इट्स डुप्लीकेट एंड ग्रो, स्प्राइट एंड डिलीट। देयर थ्री ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर यू एंड यू हैव टू गिव द करेक्ट आंसर बाय चूजिंग ऑफ दीज थ्री ऑप्शंस। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज डुप्लीकेट, सेकेंड ऑप्शन इज ग्रो स्प्राइट एंड थर्ड ऑप्शन इज द डिलीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू जस्ट दिस एक्सरसाइज आर इन पेज नंबर 36। ये पेज नंबर 36 पर है आपकी एक्सरसाइज। ओके, सो आंसर इज ग्रो स्प्राइट। आंसर इज ग्रो स्प्राइट, दिस वन इज द आंसर। यू हैव टू टेक द सेकेंड वन, ग्रो स्प्राइट। तो आई विल शो द आंसर ऑफ दिस स्लाइड्स। सो स्टूडेंट, दिस इज द आंसर ऑफ द प्रीवियस स्लाइड, थिंक एंड आंसर्स। दिस इज पेज नंबर इन 36। So which of the following tool increase the size of a sprite? Yes, answer is grow sprite. आपको तीन ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से एक आंसर है आंसर नंबर टू, डेट इज द grow sprite. फर्स्ट डुप्लीकेट शीट प्रोवाइड करता है एंड थर्ड आपकी टूल को डिलीट करता है, ठीक। लेकिन एक grow sprite, जो grow ऑप्शन होता है, वो आपकी ऑब्जेक्ट के साइज को इंक्रीज कर देता है। डैट मीन्स grow, हम बोलते हैं ना कि grow up, ठीक है, वो ग्रो कर रहा है, वो बढ़ रहा है आगे, ठीक है। तो डैट मीन्स आपके इस ऑब्जेक्ट ग्रो कर रहा है, आपका ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज हो रहा है, राइट? सो स्टूडेंट, टिक दिस आंसर ऑन योर कंप्यूटर टेक्स्ट बुक इन पेज नंबर 36। ओके, पेज नंबर 36 में क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको टिक करना है ये आंसर, राइट? नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑल्सो थिंक एंड आंसर एक्सरसाइज, राइट? इन दिस एक्सरसाइज, इन दिस थिंक एंड आंसर एक्सरसाइज यू हैव टू फिल द आंसर इन द गिवन स्पेस, करेक्ट आंसर इन द गिवन स्पेस। तो फर्स्ट यू हैव टू गिवन द फर्स्ट क्वेश्चन इज साउंड ब्लॉक्स आर डैश कलर कोडेड ब्लॉक्स। ओके, दिस एक्सरसाइज इज गिवन इन पेज नंबर 38 पेज पर ये आपको एक्सरसाइज दी हुई है। तो जस्ट ओपन योर पेज नंबर 38 एंड फिल दिस आंसर। साउंड ब्लॉक्स आर डैश कलर कोडेड ब्लॉक्स, मैंने आपको वीडियो क्लासेस में बताया था। यस, विच कलर आर यूज्ड फॉर साउंड ब्लॉक्स? यस, पिंक एंड मजेंटा। तो राइट डाउन दिस आंसर इन हेयर, पिंक और मजेंटा, ठीक है। या तो आप पिंक भी लिख सकते हैं या आप मजेंटा भी लिख सकते हैं, राइट? सेकेंड आंसर इज डैश इज एन ऑब्जेक्ट डेट परफॉर्म एक्टिंग। कौन परफेक्ट, कौन ऑब्जेक्ट होता है, कौन आपकी एक्टिंग परफॉर्म करता है, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, आपको पता भी है।
ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम स्प्राइट बोलते हैं, वही आपकी एक्शन को परफॉर्म करता है। तो आप आंसर देंगे इसमें, यू हैव टू राइट दिस स्प्राइट, SPRITE, स्प्राइट। ओके, स्प्राइट इज एन ऑब्जेक्ट डेट परफॉर्म्स एक्टिंग। ठीक है, स्प्राइट एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि एक्टिंग परफॉर्म करता है। वट एवर यू वॉन्ट टू परफॉर्म जो भी आप चाहते हैं वही वो एक्टिंग परफॉर्म करेगा। जो भी आप स्क्रिप्ट एरिया में एक्शन देंगे वो स्प्राइट आपका एक्टिंग करेगा। राइट, तो आई विल शो दीज आंसर इन द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में इनके आंसर शो करती हूँ आपको। These are the answer of the previous slide, students. I already tell you that sound blocks are pink and magenta color coded blocks. Sprite in an object that perform acting. Okay. So write down these answer on your computer textbook. आप ये आंसर अपने कंप्यूटर टेक्स्ट बुक में लिखिए। ठीक है, करेक्ट लिखिए पेज नंबर 38 पर। दिस एक्सरसाइज आर गिवन टू यू पेज नंबर 38। ओके, पेज नंबर 38, राइट। सो साउंड ब्लॉक्स आर पिंक एंड मजेंटा कलर कोडेड ब्लॉक्स, एंड सेकंड वन इज स्प्राइट इज एन ऑब्जेक्ट डेट परफॉर्म्स एक्टिंग। स्प्राइट एक ऑब्जेक्ट होता है जो एक्टिंग परफॉर्म करता है। राइट, डन, ओके ओके स्टूडेंट्स, दिस इज इनफ फॉर टुडेज वीडियो क्लास। ओके, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, जिसके अंदर हमने दो एक्सरसाइज करी है, थिंक एंड आंसर। थिंक एंड आंसर आपकी बुक में 2 times दिए हुए हैं, पेज नंबर 36 पर एंड पेज नंबर 38 पर। तो वो आज हमने कवर किए हैं। राइट, आपको दोनों लर्न करने हैं। Now we will discuss the next exercise time, which is in page number 45. Name the following and true false. We will discuss in the next video class. Right, now it's time to homework. You have to learn about think and answer, both think and answer. Page number 36 का भी and page number 38 के लिए भी आपको ये learn करना है। बहुत छोटा सा homework है, क्योंकि आज मैंने बहुत छोटा सा topic cover किया है। Right, okay students. समझ में आया क्या मैंने आपको होमवर्क दिया है? वेरी गुड, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप सब समझ में, आपको सब समझ में आता है व्हाट आई वांट टू से। ठीक है, सो स्टूडेंट नाउ इट्स टाइम टू गोइंग। स्टे हेल्दी स्टे सेफ, स्टे हेल्दी स्टे होम स्टे सेफ। स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब सारा इन्जॉय भी करिए, लेकिन उसके साथ को आपको पढ़ाई भी करनी है ना, बिकॉज आपके एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय स्टूडेंट, बाय।